हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन जॉब हेल्प में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। यहाँ से एयरफोर्स और SSR में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वो, तो यहाँ से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपने। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले ही लिख दिया, तो यार ये मैंने इसलिए लिखा कि हम अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ उसकी। इसलिए मैंने पहले से रेडी रखा है और आपको मैं कंसेप्ट बताऊँगा साथ साथ एग्जाम्पल भी बताऊँगा इसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? मान द लेंथ ऑफ स्पेस कवर्ड बाय बॉडी, एक बॉडी से जितनी टोटल दूरी तय की गई है वो होता है अपना डिस्टेंस। जितनी दूरी तय की गई है वो है डिस्टेंस। और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, और वो कभी डिक्रीज नहीं होती, कभी नेगेटिव में नहीं होती दूरी। जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिएगा ये है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर, और यहाँ से इसकी है 4 किलोमीटर, और ए से सी तक क्या है? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इसमें क्या हुआ? डिस्टेंस ए से सी तक की पोजिशन में डिस्टेंस क्या होगा टोटल? और बी, हम बी पॉइंट से सी तक जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा इसका 4 + 3, तो 7 किलोमीटर इसका क्या है? डिस्टेंस है ए से सी तक का पहुंचने में वाया बी, ठीक है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर। और अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। मतलब कि एक पोजीशन दूसरी पोजीशन तक जाने में शॉर्टेस्ट पाथ कितना लग रहा है अपने को, वो है डिस्प्लेसमेंट, कम से कम दूरी कितनी लग रही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको हम नेगेटिव में भी मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में अपने डायरेक्शन शो करनी होती है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन शो नहीं करनी होती है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने को इसमें बताना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट में कि ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ, नॉर्थ। तो इसमें अपने को बताना होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है कि इसमें अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होता है, ठीक है। तो यह डिस्प्लेसमेंट, अभी इस एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है। ए से सी तक जाना है अपने को, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है अपना? ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या, 5 किलोमीटर क्या होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने तक 5 किलोमीटर क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं स्पीड की। ये अच्छे कंसेप्ट हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, ठीक है। अगले आया अपना स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितनी दूरी तय की गई है ऑब्जेक्ट में, कितने टाइम में कितनी दूरी तय की गई है ऑब्जेक्ट में, वो है अपना स्पीड। और स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये आप ध्यान रखना। टॉपिक है अपना कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है? रेस्ट क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी शेप या चेंज नहीं करती, पोजिशन चेंज नहीं करती, उसे कहते हैं रेस्ट। मतलब मान लीजिएगा कोई बुक है, किसी टेबल पर पड़ी है, तो वो क्या है? रेस्ट पोजिशन में है। जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो रेस्ट में है, ठीक है। और मोशन क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं अपन, तो वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन चली जाती है, मतलब वो मोशन में आ जाती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, ठीक है, वो टेबल पर बैठे हैं, तो टेबल क्या अभी रेस्ट में है, और आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर एक कार मूविंग जा रही है, कार मूव कर रही है, तो वहाँ वो क्या है? मोशन में। कार वहाँ पे मोशन में, कार के रिस्पेक्ट में या अपने रिस्पेक्ट में, जो टेबल पड़ी है वो रेस्ट में है, उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 अभी, ठीक है। तो वो क्या है? मोशन में, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप कितने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बेसिक है रूल्स, मतलब इनको देख लेना, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और कितने डायमेंशन होती है इसकी। तो देखते हैं मोशन, टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन मोशन में क्या होता है? जो मोशन है वो अपना स्ट्रेट लाइन में होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं रेलवे ट्रैक। रेल जो, जैसे रेलवे ट्रैक है वो स्ट्रेट है एकदम, और उस पर जो रेल जा रही है, मोशन में जा रही है, वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वहाँ पे क्या है? एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है,
ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, फिर आता है टू डायमेंशन मोशन, जो कि टू एक्सिस पे होता है, मतलब सर्कुलर पाथ में है, उसमें टू टू एक्सिस पे क्या होता है, टू एक्सिस पे अपना मोशन हो रहा है, कोई सर्कुलर पाथ में कोई गाड़ी घूम रही है, तो वहां पे क्या है जो मोशन है वो टू डायमेंशन होता है, वो थ्री डायमेंशन में क्या होता है, जो बॉडी स्पेस में मूव कर रही होती है वहां पे होता है थ्री डायमेंशन मोशन का एग्जांपल बता देता हूँ, फ्लाइंग ओ बर्ड्स मतलब जो पक्षी उड़ रहे होते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ऐसे ऐसे, तो वहां पे क्या है थ्री डायमेंशन ऑफ मोशन होता है वहां पे। तो ये अपने हैं तीन टाइप ऑफ मोशन। अब देखते हैं हम अपन नेचर ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड ऑफ टाइप मोशन है वो है अपना बेसिस ऑफ नेचर। इसमें देखिएगा ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, बॉडी शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक एग्जांपल लीजिएगा, गाड़ी जा रही है रोड पे, गाड़ी मतलब ट्रेवल कर रही है रोड पे, तो वो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब जो शिफ्ट हो रहा है गाड़ी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फिर है अपना रोटेशनल मोशन, इसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं और पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, तो इनको कन्फ्यूज मत होना। सेकंड है रोटेशनल मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट स्पिन फ्रॉम एक्सिस, मतलब एक एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर में, उसे कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल है अपना फैन को देखिएगा, एक एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, उसी एक्सिस के आसपास मतलब सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, वो कहलाता है अपना रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप आता है अपना ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट आवर एंड आवर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ इसका कि एक टाइम इंटरवल में वो ऑब्जेक्ट रिपीटेडली अपना मूवमेंट है, वो बार बार सेम ही मूवमेंट कर रहा है, उसे कहते हैं ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल लीजिएगा वॉल ऑफ क्लॉक, मतलब जो पेंडुलम होता है वॉल क्लॉक का, वो क्या होता है एक टाइम पर ही मतलब एक सेम डायरेक्शन में मूव करता रहता है, तो वो कहलाता है अपना ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में। देखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ओसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ओसिलेटरी, मतलब क्या हुआ इसका कि सारे जितने भी ओसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं, पर जो सारे पीरियोडिक मोशन है वो ओसिलेटरी मोशन नहीं होते। इसका एग्जांपल आप लीजिएगा वॉल ऑफ क्लॉक है, वॉल ऑफ क्लॉक किसका एग्जांपल है, ये सिर्फ ओसिलेटरी मोशन है या मतलब वाइब्रेटरी मोशन है, तो वो रोटेशनल मोशन नहीं है। और जैसे व्हील ऑफ क्लॉक, एक व्हील का ले लीजिएगा, गाड़ी का जो पहिया है उसको ले लीजिएगा, वो किसका एग्जाम्पल है, वो सिर्फ अपना सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। इसी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। अब देखिएगा स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का क्या मतलब है कि एक इस टाइम में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल क्या लेंगे इसका, देखिएगा मान लीजिएगा कोई बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है डिस्टेंस, 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है कितने घंटे में, चार घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है कोई बॉडी। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 200 किलोमीटर, तो 200/4, तो ये अपने 50 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी, इसकी एवरेज स्पीड आएगी इस बॉडी की, कि एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 50 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर की दर से वो गाड़ी चल रही है, एवरेज स्पीड है इसकी। तो ये वैसे तो नेसेसरी नहीं होती, मान लीजिए कि रोड खाली है तो गाड़ी 80-90 किलोमीटर की स्पीड से चली जाए क्या, और मान लीजिएगा कि गाड़ी कहीं रुक जाती है तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यही है, पर ये नेसेसरी नहीं है, पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज स्पीड की, गाड़ी इतने किलोमीटर चली इतने टाइम में, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये आप मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, स्केलर क्वांटिटी का। फिर है एवरेज स्पीड बता दी मैंने, स्पीड बता दी आपको, फिर क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मान लीजिए कि तीसरे घंटे में बॉडी की स्पीड क्या थी, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बॉडी की स्पीड कितनी है, वो है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि बॉडी ने इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या अपने पास वेलोसिटी। तो हमने अभी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी,
तो सिंपल सा है, इसको आप ध्यान रखिए ना। और इसकी डायमेंशन बता देता हूँ, क्या है डायमेंशन, क्या है अपनी LTA-1। यदि आपको ये नहीं पता है कि हमने कैसे निकाली थी, तो आप एक बार पिछला वीडियो जरूर वॉच करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन कैसे निकाली थी मैंने। तो ये क्या है अपनी वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना पाथ उसने कवर किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टोटल टाइम में। वो एग्जाम्पल था अपना 200 किलोमीटर वाला। तो ये सिंपल सी है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से ये निकले टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ठीक है। फिर आता है अपने पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि इतने टाइम में अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, वो क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो सिंपल है, हम देखते हैं कि जब कोई मतलब कार है उसमें हम एक्सीलरेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी वो चल रही है। तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं आप। बाकी एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। तो ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी हमने देखा अभी कि वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तरीके मान सकते हैं आप। और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी।